तक तो टोल सबके लिए फ्री थे, लेकिन अब आगे से ये जो टोल वाली कंपनी है ये भी कान खोल करके सुन ले कि जिस गाड़ी के ऊपर किसान का झंडा लगा होगा उसको टोल नहीं है। आज दिल्ली के गांव में घंटी बांध दी है, अगर सरकार अपने किसी भी मामले से पीछे हटी तो संयुक्त किसान मोर्चा मोदी सरकार और बीजेपी की खाल खींच लेकर कहीं पीछे नहीं हटेगा, कहीं पीछे नहीं हटेगा। सामने बैठी मेरी माताएं बहनें पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों सभी मीडिया के बंधुओं, देखिए एक ऐतिहासिक जीत हुई है और हमने केवल दिल्ली नहीं जीती, हमने देश और दुनिया जीती है जिसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। साथियों हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यहां उपस्थित हैं और आप सबके बीच में एक बात कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस आंदोलन में टोलों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन अगर एक नंबर की बात की जाए तो फटकर टोल प्लाजा ने इस आंदोलन में बहुत तगड़ा योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां कमेटी के लिए। साथियों दिल्ली के गांव में घंटी बांध दी है, अगर सरकार अपने किसी भी मामले से पीछे हटी तो संयुक्त किसान मोर्चा मोदी सरकार और बीजेपी की खाल खींच लेगा, कहीं पीछे नहीं हटेगा, कहीं पीछे नहीं हटेगा। साथियों अनुशासन बना करके रखे, निवेदन है सबसे, अनुशासन निवेदन है, अनुशासन बना करके रखे। और एक अंतिम बात आपके बीच में कह रहा कि भाई इस आंदोलन में आपने देख अत्याचार सहे, हर तरह से आपने योगदान दिया, किस किस ने जैसे जैसे योगदान दिया मैं दोनों हाथ जोड़ करके उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। और इस पूरे अभियान में कहीं हमारे से कोई गलती हुई हो सारे अनजाने में उसके लिए भी माफी मांगते हैं। और ये केवल लड़ाई की शुरुआत है, ये केवल आंदोलन की शुरुआत है, संघ भी जारी है और जो ये भाईचारा बना है इसको पूरी ताकत के साथ हमें जोर करके रख रहा है। साथियों एक बात आपको और कहना चाहूंगा अंत में, अब तक तो टोल सबके लिए फ्री थे, लेकिन अब आगे से ये जो टोल वाली कंपनी है ये भी कान खोल करके सुन ले कि जिस गाड़ी के ऊपर किसान का झंडा लगा होगा उसको टोल नहीं देना, सबरन वसूल में नहीं करने देंगे। ये अभियान पूरे हरियाणा में चलाना पड़ेगा। पुनः आप सबका बहुत आभार। काम किया किसने किया, विकास क्या है, गांव के मौजूदा हालात, ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।